इसमें होता क्या एग्जैक्टली अगर वो मैं आपको बता दूं तो, अब हमें पता है कि मूवमेंट होती है, जैसे यहां पे अगर कोई ये बात हो गई, अब समझना अच्छे से कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है ना बहुत ही कैसी होती है पता है, बहुत ही टेम्पररी होती है। और सपोज ये इथीन है, अल्किन है, अब आप थोड़ा सा समझना, अब अगर यहाँ पे जब कोई, अभी ये तो क्या था, पूरा एक मॉलिक्यूल था, अभी इसमें कोई टेंशन है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन जब कोई अटैकिंग ग्रुप यहाँ पे आएगा या फिर कोई और कंपाउंड इसके नजदीक आए, इसके साथ कोई और जुड़ने के लिए आए, सपोज एच प्लस आ रहा है, कार्बन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, सर एच प्लस होगा, वो होगा ही नहीं ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी दे दिया उसने। मतलब H प्लस के पास तो कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन विलेक्ट्रॉन, लेकिन तो यहाँ वही पे तो इसके बोल पास रहा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने पूछा इसके पास कितने होते हैं पाई में, तो दो तो होते हैं। अब क्या होगा, ये वाला आएगा और इस अल्किन को बोलेगा चल भाई, अब ये जो है इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, इसकी इफेक्ट की वजह से जब H प्लस इसके नजदीक आएगा तब ड्यू टू दिस H प्लस जो अटैक करने आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस है, समझ रहे हो बात, यस सर, अब क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, लेकिन कौन सी ओर शिफ्ट होंगे वो बताओ, जहां से जो कंपाउंड जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड उसी की ओर शिफ्ट होंगे, मतलब अब जो है ये हाइड्रोजन तो यहां से लेके जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहां पे प्लस चला जाएगा, क्यों प्लस, इसलिए था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन अब तो क्या हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव हुए इस साइड और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस, अब समझ रहे हो मेरी बात क्या हुआ, वो यस एच प्लस आया, अब एच प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, एच प्लस ने देखा अबे ओए तेरे पास तो दो पाई इलेक्ट्रॉन यार, मुझे थोड़ा कुछ कर यार, थोड़ा कर, तो पहला तो हमारा मोलिक्यूल तो बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जब कोई और मोलिक्यूल उसके नजदीक आया सर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर कंपाउंड्स, आपके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो दाखिल होने वाले एटम के ओर शिफ्ट हो रहे हैं, आपका देखो डबल बॉन्ड कौन सी ओर शिफ्ट हो रहा है, आप देखो तो एक बार आपका डबल बॉन्ड कौन सी ओर शिफ्ट हुआ, जिस कार्बन पे एच जुड़ा तो एच की ओर शिफ्ट हुआ, आप समझ रहे हो मेरी बात, यस सर, तो इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, सर हाँ डबल बॉन्ड वाला फिजिक्स समझाओ ना सर, ये साइड पे कार्बन पे भी जुड़ सकते हैं ना। अरे यार वो दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ जुड़ेगा तो जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो अपनी ओर डबल बॉन्ड को खींचेगा यार, अब मैं बच्चों वाली हरकतें कर, आप बोलोगे एच प्लस यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगाओ, अरे यार अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ओके सर, मतलब वो यस डबल बॉन्ड सर उसी साइड शिफ्ट होगा जिस साइड वो एक्स्ट्रा वो मतलब मॉलिक्यूल ज्वाइंड हो रहा है ना। यस 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 यस, और दूसरी बात ये इफेक्ट परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है इफेक्ट, जब तक एच प्लस आएगा तब तक रहेगा, एच प्लस निकल जाएगा तो जैसे थे, दूसरी बात यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन ही उसमें होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, हमने देखा ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट वो सभी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस ही कर रहे थे, ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही है, लेकिन ये डिस्प्लेस कब होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कब होगा बताओ, जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इसके नजदीक आएगा और आपके मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड अगर उसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं तब उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब सुनो अब दूसरी बात आप अच्छे से देखना, अब तुरंत समझ जाओगे, अब सपोज ये वाला है माइनस ही कब होता है वो आप समझ लो, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है भाई कि कोई कोई मॉलिक्यूल उसके नजदीक जब आए तब क्या होगा, डिस्टरबेंस होती है उसके अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे सपोज डबल बॉन्ड वो है और यहां पे कार्बन है वो इनके साथ इस तरह से है, अब सपोज यहां पे सी एन माइनस जुड़ रहा है, अब सी एन माइनस क्या करें आप थोड़ा सा देखना, अब सी एन माइनस क्या होगा आप थोड़ा सा देखना कि ये सी एन माइनस है वो लगा रहे हो, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है माइनस और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों बताएगा कोई, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना हाँ इसलिए।
अब CN जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो टेंशन मत ले मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, CN बोला है साइनाइड, तो टेंशन मत ले मेरे पास भाई क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए है, टेंशन मत ले तू। तो बोलेगा ठीक है भाई, तो फिर अगर CN इसके साथ आके जुड़ने की ट्राई करेगा, अब इसके पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे आप थोड़ा सा सोचो, तो CN यहाँ पे जुड़ेगा, तब ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड के पाई के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पे शिफ्ट कर देगा, वो ऑक्सीजन। अब ये कार्बन बोलेगा तो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा बताओ आप अच्छे से, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन। अब आप थोड़ा सा सोचो, CN जहां पे अटैक कर रहा है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उससे कहां पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव। अब थोड़ा बहुत समझ में आई बात में क्या बोला हूं आपको, अगर कोई एटम ऐड हो रहा है और आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम की ओर जा रहे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, लेकिन कोई एटम जुड़ रहा है और आपके इलेक्ट्रॉन्स उसके दूर जा रहे हैं तब उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। दैट्स व्हाट, आ रही है ना बातें समझ में अभी बच्चों, यस। तो ये होता ही है। और हाँ, ये टेंपरेरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको बताओ, इसको टेंपरेरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए ही रहता है फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, दैट्स व्हाट। और ये जो है ये टेंपरेरी इफेक्ट है, ओके। तो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा चौड़ा खींच के लिखा हुआ होगा कि कोई मॉलिक्यूल आएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स के सब क्लाउड्स को डिस्टर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं और ये, लेकिन है तो यही चीज समझने वाली, समझ गए आप बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट। जब ये मींस टेंपरेरी है तो जब नॉर्मल स्टेट में आएगा तो जो कंपाउंड अटैक करने आया तो उसका क्या होगा, मतलब वो इसके साथ जुड़ेगा और क्या, अरे जुड़ के बाद में जब वापस निकल गया तब तो वापस तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ना, जैसा था वैसा। हाँ, और अगर कोई यहाँ पे छूट भी जाए तो सपोज पूरा चेंज हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है, एक्चुअली में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने का फायदा क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। सपोज मैं यहाँ पे HCN ऐड करूँ, सपोज मैं इसमें HCN ऐड करूँ तो यहाँ पे फिर कौन लग जाएगा, H। अब समझ रहे हो मेरी बात, yes, sir. लेकिन yes. उससे प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगी, तो वो समझने के लिए बीच में ही आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझना, और कुछ नहीं है। ओके सर, अदरवाइज मैं आपको देखो ऐसे समझा सकता हूँ आराम से, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मुझे नहीं समझानी है, मुझे सिर्फ आपको प्रोडक्ट समझानी है, तब मैं कैसे समझा सकता हूँ बच्चों अच्छे से, वो मैं आपको बता दूं। अब देखो ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, अब कौन ऐड करना चाह रहे हो बताओ बच्चों, चलो म्यूट हो जाओ भाई, जॉन म्यूट है वो, चलो भाई म्यूट हो जाओ, जॉन म्यूट है वो। अब सुनो बात है, अब मैं अगर यहाँ पे HCN डालूंगा, अब तो मुझे पता ही है भाई, चलना यार पेन भी अभी नहीं चली है, धीरे धीरे, ओके चल चल रही है। बाद ये HCN डालूंगा तो मुझे पता है ये बॉन्ड टूटेगा, ओ के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, और ये हाँ, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा अभी, CN। हाँ, तो ये कैसे होता है, ये आप क्या कर रहे हो बच्चों अच्छे से समझ रहे हो बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस सर। तो यही तो बात होती है, तो ये समझाने के लिए मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझनी पड़ेगी, उसको मैकेनिज्म समझाने के लिए, आई बात समझ में अभी आपको, यस यस सर। हाँ, ये होता है इलेक्ट्रो, तो सभी में केमिस्ट्री में है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर पहले तो हम मूवमेंट देख रहे हैं, अब ये मूवमेंट फिर अप्लाई करेंगे हम 12th में कि किस तरह से कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इसके बाद के वाले चैप्टर में भी इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे माइंड में इफेक्ट तो होनी चाहिए कि कौन किसको अट्रैक्ट करता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, यस और नो, यस। चलो ठीक है, तो आज रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में ये दो ही होती है, तो 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकता हूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो एक बार आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही एग्जांपल है, लंबा चौड़ा यही है ना एमसीक्यू, हाँ सर यही है।
यही है ना। चलो ओके।